देखिए दोस्तों, हिस्ट्री के पढ़ने के टाइम पे अगर आपको किसी एक जगह के ज्योग्राफिकल चेंजेस को उसके हिस्टोरिकल चेंजेस और उसके कल्चरल चेंजेस के साथ जोड़ के देखना है तो ये चैप्टर आपको मदद करेगा। कहने का मतलब यह है एक लाइन में कि किसी एक जगह का कल्चर उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखिए, क्लास सेवेंथ की जो हिस्ट्री के एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसका यह पहला चैप्टर है जिसका टाइटल है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। जल्दी ही हम लोग इस क्लास सेवन की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक को भी खत्म कर देंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में चाहिए तो वहां क्लास सेवन हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आपको सारे के सारे इसके 10 चैप्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नक्शा नजर आ रहा है दोस्तों, ये मैप नंबर 1 है। यहाँ पे लिखा हुआ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय ज्योग्राफर अल इदरीसी इन द 12th सेंचुरी शोइंग द इंडियन कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। भैया ये इंडियन कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी दिखा रहा है बट आपको उतना समझ में नहीं आएगा ये इंडियन कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। बहुत पहले ये मैप किसने बनाया था? ज्योग्राफिकल अल इदरीसी ने बनाया था, 12th सेंचुरी में बनाया था। तो चूंकि इन्होंने 12th सेंचुरी में बनाया था उस समय पर उतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। दूसरा मैप देखिए, देखिए यहां पर पहले देख रहे थे, ये सब कॉन्टिनेंट का मैप है अर्ली 18th सेंचुरी का, एटलस नूवरो ऑफ गुलेमे डी आइल्स में ये छपा है। सॉरी अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर है जिन्होंने इस मैप को बनाया। ये मैप से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आज की डेट में हमारा भारत का जो नक्शा होता है दोस्तों कुछ कुछ ऐसा दिखता है। तो इन दोनों को मैप्स को कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि ये मैप्स इतने अलग अलग क्यों है, इतने बदले हुए क्यों है। शुरू करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर मार दीजिए दोस्तों। और लाइक देखिए दबाने से आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है, अगर आप लाइक दबा देंगे तो YouTube मेरी इन वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करेगा अपने एल्गोरिदम में। तो आप मुझे कुछ करना चाहते हैं तो इतना कर दें मेरे लिए। ओके, साथ साथ इन एनसीआरटीज को आप एनसीआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर रखते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो ये मैप 1 आपने देखा फ्रेंड्स, हाँ मैप 2 आपने देखा। मैप 1 1154 सीई, सीई मतलब कॉमन एरा, मतलब 1154 एडी की ही बात हो रही है, क्राइस्ट के टाइम की, क्राइस्ट की जन्म के बाद की। ओके, अरब ज्योग्राफिकर है अल इदरीसी। सबसे पहले जान लेते हैं कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर एक ऐसा पर्सन होता है जो मैप्स बनाता है। ओके, तो ये जो अल इदरीसी ने ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, देखिए द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो उसने बहुत बड़ा मैप बनाया होगा, उसका एक छोटा सा सेक्शन इस मैप 1 में दिखा रखा है। फिर 1720s में एक मैप 2 बना था ये वाला, जिसको एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। और ये दोनों मैप्स काफी डिफरेंट है। जो हमारा 1720s वाला मैप है वो काफी हद तक हमको अभी के इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसा लग रहा है, बट ये अल इदरीसी वाले मैप से तो हम कुछ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अल इदरीसी वाली चीजों में कुछ डिफरेंट चीजें हैं। जैसे साउथ इंडिया अल इदरीसी के मैप में वहां दिखा रखा है जहां पे नॉर्थ इंडिया है, श्रीलंका को ऊपर दिखा रखा है जबकि वो साउथ में है, प्लस प्लेसेस को अरेबिक में मार्क कर रखा है जिस तरीके की लैंग्वेज उस समय पर अल इदरीसी इस्तेमाल करते थे। फिर उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों को भी दिखा रखा है, कन्नौज को, जिसको कन्नौज लिख रखा है, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक्चुअली आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, इस मैप को यहाँ पे डालने का, एनसीईआरटी की किताब में डालने का मकसद बस इतना है कि आप ये समझ पाओ कि जो मैप पहले बने थे वो उतने एक्यूरेट नहीं थे। रीजन क्या था उनके एक्यूरेट ना होने का? क्योंकि उस समय पर इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, एज सिंपल एज दैट। मैप 1 से 600 साल बाद बना ये मैप 2, उस समय पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में वो ज्यादा अवेलेबल थी, इसलिए ये जो सेकंड वाला मैप है बहुत ज्यादा फैमिलियर है। कुछ इस तरीके का मैप हमको आज भी दिखता है। कोस्टल एरियाज को बहुत डिटेल में बताया गया है। अब चूंकि कोस्टल एरियाज को बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है तो ऑब्वियस सी बात है इस मैप को यूरोपियन सेलर्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है, यूरोपियन मर्चेंट्स के द्वारा प्रयोग किया जाता था अपने वॉयजेस में। चूंकि सेलर्स और मर्चेंट्स जो कि समुंदर के रास्ते शिप से आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उनके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी दोस्तों कि उनको कोस्ट पे पहुंचना है, ठीक है। इसीलिए आप इस सेकंड मैप में जब देखोगे तो इस सेकंड मैप में जो कोस्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है वो बहुत ज्यादा है, हालांकि इंटीरियर की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखिए जैसे यहाँ पे ओरिया लिखा हुआ है, ओके, फिर ऊपर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे चित्तौड़ दिया हुआ है, कई कई जगहों पे माउंटेनियस लैंडफॉर्म्स बना रखे हैं जहां जहां पे माउंटेन्स हैं, तो काफी हद तक उसमें दिखाया है। लेकिन हाँ, कोस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा दी है, नदियों को बहुत डिटेल से इस मैप 2 में दिखा रखा है। अब यहाँ पे चीज दे रखी है, लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप 2, आर दे एज डिटेल्ड एज दोज ऑन द कोस्ट? Follow the course of river Ganga and see how it is shown. What do you think is the difference in the level of detail and accuracy between coastal and inland areas? Obviously, बात है इस मैप को ये जो
मर्चेंट्स थे, जो सेलर्स थे वो इस्तेमाल करते थे। और मर्चेंट्स सेलर्स अगर किसी मैप को बनवाएंगे अपने इस्तेमाल के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो सबसे ज्यादा मार्क किसको करेंगे? कोस्टल एरियाज को, क्योंकि उनको कोस्टल एरियाज में पहुंचना है। उसके बाद वो पैदल चल के इंटीरियर एरियाज में चले जाएंगे अपने सामान को बेचने के लिए, डिमांड सप्लाई के हिसाब से, वो एक अलग बात है। पर सबसे पहले तो उनको समुद्र से बाहर निकल के कोस्ट पे पहुंचना है, इसलिए कोस्टल एरियाज की इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। प्लस जो पहला मैप बना था अलादेसी ने बनाया था, जो दूसरा मैप बना था जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, उस समय जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी थी बहुत डिफरेंस थी। अब हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव में जब बात आती है, जब भी कोई हिस्टोरियन हिस्ट्री को लिखता है तो उस हिस्ट्री को लिखने के लिए वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेगा, बहुत सारे मैप्स को रेफर करेगा, बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट हैं, इंडिविजुअल टेक्स्ट, ग्रुप टेक्स्ट उसको मिल जाएंगे पास्ट के जिनको वो पढ़ेगा। लेकिन जब कभी भी वो डॉक्यूमेंट्स को, मैप्स को, टेक्स्ट को पढ़ेगा, तो वो टेक्स्ट, वो मैप्स किस बैकग्राउंड में बनाए गए हैं, किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बनाए गए हैं, किस कंटेक्स्ट में लिखे गए हैं, इस बात का भी ध्यान वो हिस्टोरियन रखेगा। क्योंकि हिस्टोरियंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हिस्टोरियंस को हिस्ट्री को एक न्यूट्रल फॉर्म में हमारे सामने लेके आना है। और क्या होता है ना दोस्तों कि जब वो हिस्ट्री लिखी गई थी उस समय पे, तो जो भी उसका ऑथर था, उस ऑथर ने उस हिस्ट्री को अपने हिसाब से लिखा होगा, तो उसके अपने हिसाब वाले एलिमेंट को हटा के उससे जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है उसको बाकी इन्फॉर्मेशन से कोरोबरेट करके, कंपेयर करके हमारे सामने एक न्यूट्रल माइंडसेट की इन्फॉर्मेशन को लेके आना, हिस्ट्री को लेके आना, ये हमारे हिस्टोरियंस का काम है। आप समझ सकते हैं काफी मुश्किल काम है। ओके, अब यहां पे बात करते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज की। देखिए, जिस कंटेक्स्ट में भी हमारे सामने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है, प्रेजेंट की जाती है, वो कंटेक्स्ट समय के साथ बदलता है, समय के साथ भाषा बदलती है, समय के साथ शब्दों के मीनिंग बदलते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि पहले बहुत अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस के डॉक्यूमेंट मिलते हैं, और ये लैंग्वेजेस बहुत हद तक चेंज भी हुई हैं समय के साथ, ईयर्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल पर्शियन भाषा की बात कर लीजिए, तो आज की जो मॉडर्न पर्शियन मिलती है और जो मीडिवल टाइम्स में, आज से 700-800 साल पहले जो पर्शियन मिलती थी, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। और वो डिफरेंस केवल ग्रामर या वोकैबुलरी में नहीं है, इवन शब्दों के मतलब तक बदल गए हैं समय के साथ। यानी कि मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यहां पे लिखा हुआ हिंदुस्तान नाम का एक शब्द है, तो हिंदुस्तान से आज आप किस चीज को कनॉट करते हो, आप आज इस चीज को कनेक्ट करते हो कि भाई हिंदुस्तान इज इंडिया, ठीक है ना। लेकिन व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज ई सिराज, अ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन, ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। जब मिनहाज ई सिराज में पर्शियन में लिखा, तो उस मिनहाज ई सिराज में जब इस हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग हुआ, तो ये हिंदुस्तान टर्म वहां पे पंजाब के इलाके को डिनोट कर रहा था, हरियाणा के इलाके को डिनोट कर रहा था, और गंगा यमुना दोआब के बीच में जो भी इलाके आते हैं उनको डिनोट कर रहा था। ही यूज द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सुल्तान, या दिल्ली सुल्तान की जो समय बादशाहत थी, दिल्ली सुल्तान की जो मिल्कियत थी, जहां 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 पे दिल्ली सल्तनत का राज था, उस जगहों को इस हिंदुस्तान टर्म्स के साथ डिनोट किया जा रहा था। ओके, और उसमें भी अब आप एक चीज समझोगे कि इस हिंदुस्तान टर्म्स में जो एरिया आते थे वो कांस्टेंट नहीं थे, फिक्स नहीं थे, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे थे। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत की बाउंड्री चेंज हो रही थी, वैसे वैसे ये इलाके जो कि हिंदुस्तान के अंदर आते थे उस समय पे, वो भी चेंज हो रहे थे। यानी कि कुछ समय पे साउथ इंडिया का कुछ हिस्सा दिल्ली सल्तनत के अंदर रहा, किसी और टाइम पे नहीं रहा, तो जब रहा तो उस समय पे वो हिस्सा आपका हिंदुस्तान में आ जाएगा, जब नहीं रहा उस समय पे नहीं आएगा। ओके, The areas included in the term shifted with the extent of the Sultanate, ये बता दिया, but the term never included South India. South India का ज्यादातर हिस्सा, हम कुछ हिस्सों तक तो पहुंची थी दिल्ली सल्तनत दोस्तों, तो कुछ historians बोलते हैं कि include करता है, कुछ नहीं करता है, but NCERT की भाषा में देखा जाए तो South India का major हिस्सा आप कह सकते हो कि हिंदुस्तान term में कभी नहीं आया। ओके, यानी कि उस समय पे जब दिल्ली सल्तनत का राज था, उस समय पे हिंदुस्तान में साउथ इंडिया इंक्लूडेड नहीं था, बट आज की डेट में हिंदुस्तान इज कंप्लीट इंडिया। फिर बाबर ने अर्ली 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान बोला, और हिंदुस्तान बोलने का बाबर का मतलब क्या था, वो भाई इंडिया की ज्योग्राफी को डिनोट कर रहा था, यहाँ के फौना, फौना मतलब एनिमल वैरायटी को, और यहाँ के इनहेबिटेंट्स का जो कल्चर है उसको डिनोट कर रहा था। ओके, एंड एज यू विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, दिस वाज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज्ड द टर्म हिंद। और कुछ इसी तरीके से जिस तरीके से बाबर ने हिंदुस्तान को देखा है, कुछ उसी तरीके से अमीर खुसरो नाम के इस फेमस पोएट ने जब हिंद का शब्द का प्रयोग किया है, तो उस फॉर्म में हिंद जो मीनिंग डिनोट कर रहा है, वही मीनिंग हिंदुस्तान डिनोट कर रहा था जब बाबर ने उसको यूज किया था। तो आप समझ सकते हैं कि मीनिंग्स
इस हिंदुस्तान वर्ल्ड की अलग अलग जगहों पे अलग अलग रही हैं, कुछ जगहों पे कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ जगहों पे कुछ डिफरेंसेस हैं। अब देखिए उस समय की बात की जाए जब ये लोग आ रहे थे, तब यह इंडिया नाम की कोई ज्योग्राफिकल या कल्चरल एंटिटी एग्जिस्ट तो करती थी। अब देखिए ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी एग्जिस्ट करती थी, बट कभी भी इसको पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं दिया गया। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान आजाद है, ठीक है, हिंदुस्तान को आजादी दो। भाई अंग्रेज जब राज कर रहे थे तो बवाल बढ़ गया, हिंदुस्तान को आजादी दो। आजादी कैसे, हमको पॉलिटिकल आजादी दो, हम सोवरेन बनेंगे, अपना राज खुद करेंगे। यहाँ क्या आ गया, पॉलिटिकल सेंस आ गया, नेशनलिज्म से रिलेट हो गया ये। लेकिन उस समय पे जब बाबर या दिल्ली सल्तनत का राज हुआ करता था, उस टाइम पे क्या होता था कि भाई जब भी बात आती थी इंडिया की या हिंदुस्तान की, तो समझा जाता था कि ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है और उस ज्योग्राफिकल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनका ये कल्चर है। ये कभी नहीं आता था कि ये जो इलाका है ये एक है, यहाँ के लोग अपने आप को एक देश मांगते हैं, इनकी कोई एक कॉमन रूलिंग संस्था है, चूंकि कभी एक कॉमन रूलिंग संस्था थी ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है इंडिया की फ्रेंड्स। ब्रिटिशर से पहले के इंडिया की बात करिए तो इंडिया कभी एक कंट्री था ही नहीं, छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, वो अपने जगहों पर राज करते रहते थे, ओके, और अलग अलग जगहों पर लड़ाई के साथ उनका राज ही बदलता रहता था। जो अलग अलग जगहों पर जो लोग रह रहे थे वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हम किसी एक देश के हिस्से हैं, वो अपने आप को इस रीजन के साथ एसोसिएट करते थे। वो तो जब अंग्रेजों ने राज किया तो देखा जाए अंग्रेजों ने हमें कुछ अच्छा तो दिया नहीं है, हमें लूटा ही है, लेकिन अंग्रेज एक चीज हमको अच्छी दे गए, वो हमको यूनाइट कर गए। क्योंकि जब उनको उन्होंने हमें दबाया तो ऑब्वियसली बात है हमको एकजुट होकर उनसे लड़ना पड़ा और उस केस में हम लोग यूनाइट हो गए। बहुत सारी और भी चीजें हुई, जैसे अंग्रेजों ने रेलवेज बना दी तो उस रेलवेज से देश के एक हिस्से के लोग दूसरे हिस्से में गए तो इंटरमिंगलिंग बढ़ी, इंटरकल्चरल एसोसिएशंस बढ़े, पढ़ाई हुई तो लोगों के अंदर मॉडर्न एजुकेशन आई, उन्होंने समझना शुरू किया कि भाई हमको हमारे कास्ट के रिलीजन के आधार पर अंग्रेज तोड़ रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर में ये नेशनल कॉन्शियसनेस जगा और हम लोग एक हो पाए, नहीं तो भैया मिडिवल इंडिया में तो कभी हम लोग एक थे ही नहीं। ओके, जो लोग क्लास 7 के पर्सपेक्टिव से बढ़ रहे हैं वो इस एक्सरसाइज को भी अपनी क्लास में करें। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड्स हुज मीनिंग्स चेंज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसके लिए भाई आप जाएं अपने माँ बाप से बात करें, अपने टीचर से बात करें, भाई ब्रज भाषा अवधि, तो ब्रज भाषा में जो शब्द हुआ करते थे वो हिंदी में क्या थे, अवधि में क्या थे, इनको कंपेयर करके आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। अपने दादाजी या टीचर्स वगैरह से बात करिए। आगे चलते हैं। अब देखिए हिस्टोरियंस जो आज है वो बहुत ध्यान से उन पुराने टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट में इस्तेमाल हुआ करते थे, क्योंकि पास्ट में जो उनका मतलब था आज की डेट में उनका मतलब काफी बदल चुका है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक शब्द है फॉरेनर। आज की डेट में इस फॉरेनर शब्द का मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि इंडियन नहीं है, इंडिया के बाहर का है, ओके। तो अगर हम इंडियन हैं और हमारे सामने कोई पर्सन आ जाएगा आपका अफ्रीका से, भाई ये तो फॉरेनर है। कभी कभी आपको अफ्रीकन घूमते दिख जाते हैं या यूएस जो फॉरेन टूरिस्ट गोरे घूमते दिख जाते हैं, आप देखते हैं बोलते हैं भाई ये तो इंडियन नहीं है, ये तो फॉरेनर है। तो हमारे हिसाब से क्या है कि भाई दिस इज अ फॉरेनर। अब किसी के पास इंडियन सिटीजनशिप आ गई तो वो इंडियन हो जाएगा यार, पर उतना कौन दिमाग लगाता है। आप बस समझ आइए जो बाहर से आया वो हो गया फॉरेनर आज के डेट के हिसाब से। मिडिवल पीरियड में फॉरेनर शब्द का क्या फर्क था? मिडिवल पीरियड में फॉरेनर का मतलब होता था एक स्ट्रेंजर, और चूंकि मिडिवल इंडिया में ना ट्रांसपोर्ट के साधन इतने अच्छे थे, ना कम्युनिकेशन के साधन इतने अच्छे थे, मिडिवल इंडिया में ना अखबार आते थे, ना मैगजीन छपती थी, ये सब चीजें तो देखिए होती नहीं थी, ये सब तो मॉडर्न इंडिया में आके हुई। तो उस समय पे लोग एक गांव में रहते थे और बहुत सारे लोग तो इसी गांव में पैदा होते थे और अपनी पूरी जिंदगी इसी गांव में काट देते थे। तो इन गांव वालों के सामने अगर कोई दूसरे गांव का पर्सन आ गया जो कि दूर है, या सिटी से कोई एक पर्सन आ गया जो कि दूर है, तो उस विलेज या दूसरे गांव के पर्सन को या दूसरे सिटी के पर्सन को ये लोग पहली बार देखेंगे, और जब वो उसे पहली बार देखेंगे तो वो हो जाएगा उनके लिए क्या, वो हो जाएगा उनके लिए फॉरेनर, क्योंकि उस इंसान को उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। क्या आज ऐसा होता है? ज्यादातर लोग जो हम लोग डेली लाइफ में बाहर निकलते हैं, ट्रेन से प्लेन से सफर करते हैं, हम उनको नहीं जानते, उनकी शक्लें हमें जानी पहचानी नहीं है, ठीक है। हम लोग जिनको जानते हैं वो भाई सेलिब्रिटीज होते हैं, तो शाहरुख खान सलमान खान कहीं से जा रहे होंगे तो भीड़ लग जाएगी ऑटोग्राफ के लिए, लेकिन नॉर्मल लोग हम नहीं जानते, वो भाई निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं रहता कि ये कौन है, पर वो हमारे लिए फॉरेनर नहीं है, क्योंकि उनको देख के हम पता कर पा रहे हैं कि भाई ये हमारी रेस के हैं तो इंडियन ही होंगे, और इंडियन है तो ये हमारे लिए फॉरेनर नहीं। कोई बाहर का आ जाएगा जिसके आप कह सकते हो कि जिसको देख के पता चलेगा कि ये फॉरेन से आया तो आप कहोगे भाई ये फॉरेनर है, समझ गए दोस्तों। तो उस समय पे कोई एक विलेज में अगर कोई दूसरे विलेज का आदमी आ जाता था जो उस सोसाइटी का पार्ट नहीं था, उस कल्चर का पार्ट नहीं था, उसको बोल देते थे फॉरेनर। हिंदी में इसको बोला जाता था परदेसी, या फिर पर्शियन में आप इसको बोलते थे अजनबी। तो हिंदी में बोल दिया परदेसी और पर्शियन में बोल दिया अजनबी। तो अगर एक सिटी में रहने वाला आदमी किसी जंगल में पहुंच जाता है, फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, तो उसको फॉरेनर बोल दिया जाएगा। लेकिन एक ही विलेज में रहने वाले दो किसान जो आसपास खेती करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ
फॉरेनर नहीं है। ये हो सकता है कि भाई ये जो दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, हो सकता है एक राम हो और एक रहीम हो, यानी कि एक मुस्लिम हो एक हिंदू हो, या फिर दोनों अलग अलग कास्ट के हो, उसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के साथ फॉरेनर नहीं होंगे, चूंकि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब उनके खुद के मनमुटाव हो सकते हैं, वो बोले कि भाई ये दूसरा रिलीजन का है, हमारे रिलीजन का नहीं है, या इसकी जाति दूसरी है हमारी जाति नहीं है, तो उनके बीच में कुछ लड़ाई टाइप की हो, पर फिर भी फॉरेनर नहीं थे क्योंकि एक दूसरे को जानते थे। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अब हम बात करते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस के बारे में। देखिए हिस्टोरियंस ने अलग अलग तरीके के सोर्सेस का इस्तेमाल किया है पास्ट के बारे में पता करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। इस किताब में हम लोग देखेंगे भाई कौन से समय के बारे में, जो समय 700 एडी से 1750 एडी या 700 सीई से 1750 सीई तक का था। मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स, सीई मतलब कॉमन एरा, बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। बीसी को आप बिफोर क्राइस्ट बोलते हो, एडी को आप एंडो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड बोलते हो। ओके, तो ये 700 एडी से 1750 एडी की बात हो रही है, लमसम 1050 के लिए 1000 साल का ये समय है। अब भैया इस 1000 साल के समय को पढ़ना एक आसान काम नहीं है। इस 1000 साल के समय को आज की डेट में हिस्टोरियंस तो भैया किताबों के थ्रू ही पढ़ेंगे, और तो उनको कुछ पता है नहीं। तो देखिए, यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर स्टडी ऑफ दिस पीरियड। वो कंटिन्यूटी क्या है कि वो भैया कॉइंस पे डिपेंड करते हैं, कॉइंस की स्टडी को न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक। वो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे अलग अलग रूलर्स में छोड़ रखे, अलग अलग रूलर्स के समय पे जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई उस आर्किटेक्चर को स्टडी करेंगे, स्कल्पचर को स्टडी करेंगे, उस समय जो चीजें लिखी गई थी उनको स्टडी करेंगे। बट समय को साथ साथ जो चीजों को स्टडी किया जाता है उनके पैटर्न में भी कुछ चीजें बदलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वैसे वैसे जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे वो ज्यादा होते गए और अलग अलग वैरायटी में मिलने लगे। यानी कि पहले जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मिलते थे 500 600 700 एडी तक वो लिमिटेड थे, लेकिन 700 एडी के बाद जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मिलने शुरू हुए वो बहुत अलग अलग थे और बहुत ज्यादा थे। यानी एक राजा रजवाड़े ने अपना टेक्सचुअल रिकॉर्ड बना रखा है, उसके पास ही में कोई दूसरा राजा है उसने अपना बना रखा है। तो मान लीजिए चोला है, पंड्या है, प्रतिहार है, तो चोला ने अपना अलग टेक्सचुअल रिकॉर्ड छोड़ा है, प्रतिहार ने, गुर्जर प्रतिहार ने अपना अलग टेक्सचुअल रिकॉर्ड छोड़ा है, पंड्या ने अपना अलग टेक्सचुअल रिकॉर्ड छोड़ा है। तो सबके टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हिस्टोरियंस के पास अवेलेबल है, सब लगभग एक ही समय के हैं और सब में कुछ कुछ डिफरेंशिएशंस है। अब ये हिस्टोरियंस की नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उन तीनों से इंफॉर्मेशन को निकाल के उनसे जो होता ना कि प्रेजुडाइसेस रहे होंगे उस समय के रूलर्स के, जिससे उन्होंने लिखवाया होगा, जिसने लिखवाया होगा उनके खुद के प्रेजुडाइसेस होंगे उनकी राइटिंग्स में, उन प्रेजुडाइसेस को हटा के उस इंफॉर्मेशन को हमारे सामने न्यूट्रल वे में लाना इन हिस्टोरियंस का काम है। इसीलिए 700 से लेके 1750 एडी तक की हिस्ट्री को हमारे सामने लाना एक आसान काम नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एक वैल्यू ऑफ द पेपर से रिलेटेड एक चीज दे रखी, कंपेयर द फॉलोइंग। पहले को पढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी अ स्कॉलर वांटेड अ कॉपी ऑफ द बुक बट ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर सो ही वॉश द राइटिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट ही डिड नॉट वांट ड्राइड द पेपर एंड यूज्ड इट। 13वीं सेंचुरी के हाफ में लगभग बात कर लेते हैं 1250 एडी की बात हो रही है, तो 1250 एडी के टाइम पे एक स्कॉलर को एक बुक को कॉपी करना था, उसके पास पेपर नहीं था, तो उसकी एक लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट को साफ करके उसने उस पर लिख दिया, मतलब उसके पास पेपर की कमी थी। दूसरा, A century later, 100 सालों बाद, if you bought some food in the market, you could be lucky and have the shopkeeper wrap it in you for some paper. यानी उससे 100 साल के बाद भाई street vendors उस समय पे हुआ करते थे। मान लो कोई street vendor समोसे जैसी कोई चीज तल रहा है, समोसे जैसी कोई चीज बना रहा है, तो और वो समोसा जब वो street vendor आपको देगा तो एक पेपर में रख के देगा। तो देखिए पहली कंडीशन में 1250 एडी के लमसम की बात मान लें तो पेपर लिखने के लिए अवेलेबल नहीं है, और उससे 100 साल बाद एक स्ट्रीट वेंडर खाना आपको पेपर में ला के दे रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि 100 साल के ड्यूरेशन में जो पेपर का प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ा और बहुत तेजी से सस्ता हुआ, क्योंकि खाने की चीजें अगर आपको पेपर में मिल रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत सस्ती हो गई और बहुत वाइडली अवेलेबल हो गई। और जब वो चीजें वाइडली अवेलेबल हो गई आपकी लगभग कह सकते हैं कि 14th सेंचुरी के हाफ में, तब भैया उस पेपर का इस्तेमाल भी बहुत होने लगा, बहुत अलग अलग जगहों पे पेपर में बहुत सारी चीजें लिखी जाने लगी, तो होली टेक्स्ट लिखे जाने लगे, रूलर्स की कहानियां लिखी जाने लगी, लेटर्स लिखे जाने लगे, साधु संत जो सिखाते थे उनकी टीचिंग्स लिखे जाने लगी, किसी जगह के प्रशासन के जुडिशियल रिकॉर्ड्स लिखे जाने लगे, उनके अकाउंट्स उनके टैक्सेस की इन्फॉर्मेशन लिखी जाने लगी। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे देवर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल रूलर्स मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब एक पेपर पे हाथ से अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप बोलोगे मैन्युस्क्रिप्ट। उस समय पे ऑब्वियसली कुछ प्रिंटेड तो था नहीं, कोई मशीन तो थी नहीं प्रिंट करने वाली, तो जो चीजें भी लिखी जाती थी वो लिखी जाती थी हाथ से। तो हाथ से अगर आपने कुछ लिख के दिया तो वो क्या हो गया, वो हो गया मैन्युस्क्रिप्ट। तो इस मैन्युस्क्रिप्ट को मेंटेन करके रखते थे भैया अमीर लोग,
राजा महाराजा मोनास्ट्रीज टेम्पल्स उनमें उनके अकाउंट्स होते थे, टैक्सेस होते थे, वो जो एक्टिविटीज होती थी उनको मेंटेन करते थे, उनकी खुद की लाइब्रेरीज थी, आर्काइव्स थे। आर्काइव्स क्या होता है? तो ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे मैन्युस्क्रिप्ट्स को और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखा जाता है। आज की डेट में हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास अपने खुद के आर्काइव्स है जहां पे बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस मेंटेन्ड है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का एग्जांपल देता हूं, जैसे कि बजट छपता है तो हर साल बजट को छप के हमारे नेशनल आर्काइव्स में रखा जाता है। 1950 से लेकर आज तक जो भी बजट प्रेजेंट हुए हैं वो आपको हमारे नेशनल आर्काइव्स में मिल जाएंगे, उनकी कॉपी मेंटेन करके रखी गई है। ओके, और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स से हमें भैया हिस्टोरियंस को जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती है पहले के समय की। उस समय पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, छापने के लिए मशीनें नहीं थी, तो भैया मैन्युस्क्रिप्ट्स को ऑब्वियस सी बात है आप हाथों से ही लिखोगे क्योंकि छापने के लिए तो कुछ है नहीं। अब भैया इसके लिए डिप्लॉय किए जाते थे लोग जिनको बोला जाता था स्क्राइब्स। छापना आसान काम नहीं होता दोस्तों, अगर आप दो पेज पन्नों को भी लिखते हो किसी और जगह से देख के भी तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप यूपीएससी मेंस की तैयारी करोगे तो उसमें आप बहुत सारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, वो खैर आपको खुद एक्सटेम्पोर लिखना है, लेकिन अगर आप कहीं से कॉपी करके भी चीजों को लिखते हो तो आप ये देखोगे दोस्तों कि लिखना एक आसान प्रोसेस नहीं होता है, लिखने में अच्छी खासी मेहनत लगती है हमको। ओके, फिर जब आप कोई चीज दूसरे की हैंड राइटिंग को देख के लिखते हो, मान लीजिए आपने अखबार से कोई प्रिंटेड चीज देख के लिखी तो आपको भैया देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से फॉन्ट में लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने कुछ लिखा है और आप उस दोस्त की राइटिंग को कॉपी कर रहे हो, तो अगर उस दोस्त की राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपको चीजें सही से समझ में आ जाएंगी, अगर उस दोस्त की राइटिंग थोड़ी सी कम अच्छी है या खराब है तो बहुत सारी उसकी लिखी हुई चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। और जब उसकी लिखी हुई चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तो सोचिए उस समय पे मिडवल इंडिया में जो स्क्राइब्स काम करते थे वो जब किसी और की चीज को कॉपी किया करते थे तो जो किसी और का लिखा हुआ है हो सकता है वो कभी कभी उसको नहीं आप पढ़ पाए, और जब वो उसको नहीं पढ़ पाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है जिसका लिखा हुआ वो टेक्स्ट है हो सकता है वो वहां पे अवेलेबल ना हो, तो उस केस में जो उस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा है ना वो अपने नॉलेज के हिसाब से वहां कोई चीज लिख देगा जो कि उस ओरिजिनल किताब में नहीं होगी। तो आप कह सकते हो कि जो ये स्क्राइब एक कॉपी बनाएगा वो कॉपी ओरिजिनल कॉपी से थोड़ी डिफरेंट होगी। ओके, तो जो भी मैन्युस्क्रिप्ट उस समय पे लिखी जाती थी उनमें थोड़े छोटे छोटे चेंजेस आ जाते थे, कभी एक शब्द का चेंज आ गया, कभी सेंटेंस का चेंज आ गया, और सेंचुरीज तक इनकी कॉपी बनती रही बनती रही बनती रही। यानी एक पर्सन ने लिखा उसको एक ने कॉपी किया, फिर 20 साल बाद किसी और ने किया, फिर 20 साल बाद किसी और ने किया, फिर 20 साल बाद किसी और ने किया, भाई 100 200 साल 300 साल बीत गए, तो 300 साल बाद जो कॉपी हमारे सामने आई और उससे पहले जो कॉपी हमारे सामने थी भैया दोनों में हो गए तगड़े डिफरेंस। तो सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। तो सबसे शुरू में जो चीजें लिखी गई थी भाई वो फट गई किसी हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से, पेपर तबाह हो गया तो उस चक्कर में दूसरी चीज पे लिख दी गई, तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अब होती नहीं है। तो हम वो जो पुरानी चीजें लिखी हुई हैं उसके लिए किस पे डिपेंड करते हैं? जो स्क्राइब्स ने उसकी कॉपी बनाई, और स्क्राइब्स ने जो कॉपी बनाई उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो उस चक्कर में अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी गई है, अलग अलग जो कॉपी लिखी गई थी ओरिजिनल टेक्स्ट की, उन अलग अलग कॉपियों को पढ़ के उनके डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करके हमारे हिस्टोरियंस ओरिजिनल वर्जन को जितना हो सके उतना रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक वो कामयाब हो जाते हैं, कुछ हद तक वो कामयाब नहीं होते। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक फिगर है, देखिए इस फिगर में क्या दिखा रखा है। दिस इज अ बेसिकली अ पेंटिंग ऑफ अ स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। अब ये पेंटिंग इज 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर इन साइज, छोटी है इसलिए आप इसको मिनियाचर बोलते हो। ओके, मिनियाचर पेंटिंग्स के बारे में बता रखा है। मिनियाचर पेंटिंग्स वर समटाइम्स यूज्ड टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स, दे वर सो ब्यूटीफुल दैट लेटर कलेक्टर्स ऑफन टोल्ड द मैन्युस्क्रिप्ट्स अपार्ट। अकबर ने मिनियाचर पेंटिंग्स में बहुत काम किया था दोस्तों, और बाद में मिनियाचर पेंटिंग जो थी वो बहुत फेमस हुई, तो मिनियाचर पेंटिंग्स से टेक्स्ट वाले कॉपी से ज्यादा मिनियाचर पेंटिंग्स आपकी मार्केट में बिका करती थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दो तरीके की राइटिंग आपको नजर आ रही है फ्रेंड्स। ये जो लेफ्ट वाली राइटिंग है वो थोड़ी ज्यादा ऑर्गेनाइज नजर आ रही, राइट वाली राइटिंग थोड़ी सी डेंस और थोड़ी कम ऑर्गेनाइज नजर आ रही। तो देखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग्स कुड मेक द रीडिंग ऑफ द पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट। द नास्तलिक, ये वाली जो है वो नास्तलिक है, इज कर्सिव और इजी टू यूज, और द शिकस्ते जो कि ये है ये डेंसर है और थोड़ी मुश्किल है लिखने में, थोड़ी मुश्किल है समझने में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। कभी कभी क्या होता था कि जो ऑथर्स होते थे वो जो लिख रहे होते थे ना उसको समय समय पर रिवाइज भी करते थे। जैसे कि जियाउद्दीन बरनी नाम के एक क्रॉनिकलर थे, 14th सेंचुरी में एक्टिव थे।
इन्होंने अपनी पहली क्रॉनिकल लिखी 1356 में, और उसके दो साल बाद उन्होंने अपनी क्रॉनिकल को कुछ चेंज किया, कुछ इंप्रूवमेंट्स किए, कुछ अपडेशंस किए। अब ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी अलग है। तो दूसरी वाली जो उन्होंने अपडेटेड वर्जन लिखा था वो तो लोगों को मिल गया था, लेकिन जो पहला वर्जन था वो हिस्टोरियंस को मिला नहीं, वो बड़े बड़े लाइब्रेरी मतलब कलेक्शंस में दबा हुआ रखा था, वो कॉपी उनको 1960 में मिली। तो जब 1960 में मिले तब ये हिस्टोरियंस पता कर पाए कि भैया पहले एडिशन और सेकंड एडिशन में क्या फर्क था। तो आप समझ सकते हैं ना, ये जो हिस्टोरियंस का जॉब है ये आसान नहीं है, काफी मुश्किल जॉब है। अब हम बात करते हैं न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स की। ये जो हजार साल का समय था 700 एडी से लेके 1750 एडी तक का, इसमें हिस्टोरियंस के सामने बहुत से चैलेंजेस आए। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी तक जो मैंने बताया कि भैया स्क्राइब्स की राइटिंग से मैनुस्क्रिप्ट्स को कंपेयर करके समझना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर ये जो पीरियड था, टाइम पीरियड था 700 से 1750 एडी का, भैया इसमें बहुत जबरदस्त तेजी से चेंजेस आए, बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट्स हुए और वाइड स्केल पे डेवलपमेंट्स हुए। अलग अलग टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आनी शुरू हुई, जैसे कि पर्शियन व्हील का इस्तेमाल होने लगा इरिगेशन में, ये देखिए ये पर्शियन व्हील है जिसका इरिगेशन में इस्तेमाल किया जाता था। ओके, फिर स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल होने लगा वीव करने में, फायर आर्म्स का इस्तेमाल होने लगा लड़ाई में, अलग अलग तरीके के खाने और बेवरेजेस आ रहे थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, तो भैया आलू, कॉर्न, चिली, टी, कॉफी, क्योंकि पहले नहीं थे वो, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग खा रहे थे, और आज के डेट में तो हम लोग आलू, चाय और कॉफी तो ऐसे पीते हैं जैसे हमेशा से यहीं पे था ये सब। तो बहुत सारे अलग अलग इनोवेशन आ रहे थे, नई टेक्नोलॉजी, नए पेड़ पौधे, नई खाने की चीजें। फिर ये चीजें आ कैसे रही थी, तो भाई दूसरे इलाके से, दूसरी जगहों से लोग रेगुलरली आ रहे थे, और जैसे जैसे दूसरे इलाकों से लोग आ रहे थे वो अपने साथ साथ नई चीजों को भी लेके आ रहे थे, नए आइडियाज को लेके आ रहे थे, नए कह सकते हो इन्वेंशन को लेके आ रहे थे अपने साथ में। तो जबरदस्त इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, सोशल चेंजेस देखने को मिलेंगे, कल्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे, और इन सब चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी किताब के चैप्टर 5, 6 और 7 में, अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देखिए। तो जबरदस्त मोबिलिटी का पीरियड था ये, जो ग्रुप्स होते थे लोगों के दूर दूर तक ट्रेवल करते थे अपॉर्चुनिटी की तलाश में, सब कॉन्टिनेंट में जबरदस्त वेल्थ थी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रहते थे, दूर दराज सेंट्रल एशिया के इलाके में और पर्शिया में जो लोग रहा करते थे उन सुनते थे कि भैया हिंदुस्तान में बहुत पैसा है वहां जाओ, तो बहुत सारे लोग निकल पड़ते थे। जैसे आज की डेट में होता है ना कि भैया गल्फ चल के नौकरी करते हैं बहुत पैसा मिलता है, या यूएसए में न्यूयॉर्क में जाके इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हैं एमबीए करके उसमें बहुत पैसा है, उस तरीके से उसमें लोग सोचते थे कि इंडिया में बहुत पैसा है इंडिया में चलते हैं। तो इंडिया में एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि मिडिल पीरियड में बहुत ज्यादा फेमस हुए, जिनको राजपुत्र कहा जाता था, उनको राजपूत बोला जाने लगा, यानी कि एक राजा के बेटे। और 8वीं से 14वीं सेंचुरी के बीच में ये नाम, ये राजपूत नाम उन वॉरियर्स के लिए, उन लड़ाकू योद्धाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जिन्होंने अपने आप को क्षत्रिय कास्ट का बताया, क्षत्रिय जाति का बताया। ओके, अब इस टर्म में कौन कौन लोग आते थे, इस टर्म में वो रूलर्स, वो शासक तो आते ही थे जो रूल करते थे, या जो ट्राइबल चीफ्टेंस थे वो भी आते थे, कुछ सोल्जर्स और कमांडर्स भी आते थे, यानी वो सोल्जर्स और कमांडर्स जो कि बैटल में लड़ते थे किंग्स के नीचे, रूलर्स के नीचे, वो भी राजपूत में काउंट होते थे। इनका भैया अपना खुद का एक मिलिट्री कोड हुआ करता था, शिवैल्रिक मिलिट्री कोड होता था, बहुत अमीर माना जाता, बहुत कह सकते हैं कि वीर माना जाता था इन लोगों को, कहा जाता था कि बहुत लॉयल है ये अपने कॉज की तरफ। तो ये लॉयलिटी, ये ताकत, हिम्मत, ये सब क्वालिटीज बताई जाती हैं राजपूत की, किनके द्वारा, उनके पोएट्स के द्वारा, उनके बार्ड्स के द्वारा, बार्ड्स को एक्चुअली पोएट्स ही बोलते हैं। फिर उस समय पे और बहुत सारे ग्रुप आए लोगों के, जैसे कि मराठास आए, सिख्स आए, जाट्स आए, अहोम्स आए, कायस्थ आए। कायस्थ क्या था, कायस्थ एक ऐसी कास्ट थी जिसमें ज्यादातर लोग स्क्राइब्स होते थे या फिर बड़े बड़े ऑफिशियल्स के सेक्रेटरीज होते थे। तो इस तरीके के लोगों ने भी अपने पॉलिटिकल स्टेटस को और अपने कल्चरल स्टेटस को उठाया। तो राजपूत तो इंपॉर्टेंट हुए, साथ में मराठा, सिख्स, जाट, अहोम्स और कायस्थ ने भी अपने आप को इंपॉर्टेंट किया। अब अगले में कुछ हैबिटेट की बात होगी तो यहां मैं बता देता हूं हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट रिफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट। यानी हैबिटेट एक जगह के एनवायरनमेंट से डील करता है और वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी इकोनॉमिक लाइफस्टाइल, उनकी सोशल लाइफस्टाइल के साथ डील करता है। ये इकोनॉमिक और सोशल लाइफस्टाइल आई फ्रेंड्स जब ह्यूमंस के टर्म्स में बात हुई हैबिटेट की, ऑब्वियसली बात है एनिमल्स के टर्म्स में सोशल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल की बात नहीं होगी। आप देखिए थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये बात हो रही है आपके मिडिल पीरियड, यानी 700 एडी से लेके 1750 एडी तक की बात हो रही पूरे। तो इस पूरे रीजन, इस पूरे टाइम के समय पे रेगुलरली फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा था
और एग्रीकल्चर को एक्सटेंड किया जा रहा था, क्योंकि उस समय के लोगों को हल्का फुल्का ट्रेड के बारे में आइडिया था, और ट्रेड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज थी सोसाइटी में वो थी एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर वाली जगहों पे वो अपनी क्रॉप्स को उगाएंगे और उन क्रॉप से वो खाना खाएंगे और दूसरों से बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे। हुआ ये कि जब फॉरेस्ट को क्लीन किया जाने लगा तो उस फॉरेस्ट के चलते फॉरेस्ट हैबिटेट पे फर्क आया, और वहां पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहा करते थे उनके लाइफस्टाइल में ऑब्वियसली फर्क आएगा। तो जब हैबिटेट शिफ्ट हुआ, इन फॉरेस्ट को क्लीन किया गया, तो वहां पे रहने वाले कुछ लोग तो भाई वहां से चले गए, दूर चले गए, या कुछ लोग वहीं पे रह के एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए, भैया गोड़ने गाड़ने लगे, एग्रीकल्चरल फार्मर बनकर क्रॉप्स उगाने लगे। बहुत सारे नए पीजेंट ग्रुप्स उभर के आए, बहुत सारे शीप टेंस, पादरी, मोनास्ट्रीज, टेंपल बनने लगे, एक कॉम्प्लेक्स सी सोसाइटी बननी शुरू हुई। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में भाई उनको टैक्स देना था, मतलब कि ये वही फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे जो पहले जंगलों में रहते थे, जंगलों से अपना खाना आना खाते थे और आराम से रहते थे नेचर के लैप में। इन्हीं फॉरेस्ट ड्वेलर्स पे फर्क कब आया कि जब इनके पेड़ों को काट दिया गया, जंगलों को काट दिया गया, तो कुछ तो भाग के दूसरे जंगलों में चले गए, और कुछ लोग जो कि उस सोसाइटी का भाग बन गए, उस सोसाइटी में जहां पे चीजें बहुत तेजी से इवॉल्व कर रही थी, तो जब ये फार्मर बने और लैंड टेलिंग करने लगे, तो उस फार्मर की उस सोसाइटी की सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी में इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया। फिर उन्होंने टैक्स भी दिए भाई, लोकल लॉट्स को सर्विसेज भी दी, गुड्स भी दिए, तो जबरदस्त इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस निकल के आए पीजेंट्स में। बहुत सारे पीजेंट्स गरीब थे, बहुत सारे पीजेंट्स अमीर थे। जो पीजेंट्स थोड़े अच्छे थे उनके पास प्रोडक्टिव लैंड थे, उनके पास कुछ कैटल थी। जो पीजेंट्स बिल्कुल ही गरीब थे वो डेली वेज वर्कर्स की तरह थोड़े पैसों के लिए दूसरों की जमीनों पे काम किया करते थे। ओके, जैसे जैसे सोसाइटी और डिफरेंशिएट होती गई, वैसे वैसे जाति और सबकास्ट आने लगी, और जाति और सबकास्ट के आने के लिए ऑब्वियसली बात है पहले से ही जो बेस था वो तैयार था। ऋग वैदिक एरा से ही चार भागों में बांट दिया गया था सोसाइटी को, मैंने आपको बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रि, वैश्य और शूद्र, और बस उस चीज को इंप्लीमेंट करने में यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ठीक है, जैसे जैसे सोसाइटी बनी, उस सोसाइटी के टॉप के लोगों ने फिर से अपने आप को सुप्रीम बताया, तो ब्राह्मण क्षत्रि सुप्रीम हो गए। ठीक है, और जो नीचे की तरफ पे लोग थे, जो शूद्र थे उनमें भी बहुत सारी जातियां बन गई, जो वैश्य थे उसमें भी बहुत सारी जाति बन गई, तो सब कास्ट भी यहाँ पे बहुत सारी इमर्ज हुई, और सब कास्ट के ऑक्यूपेशंस भी अलग अलग थे। जैसे कि कोई कुम्हार है, कोई पॉटर है, तो उसकी पूरी फैमिली के जितने भी आगे होने वाले बच्चे अच्छे होंगे सब पॉटरी ही करेंगे। ठीक है, कोई फार्मर है तो उसके आगे जब बच्चे बड़े होंगे वो फार्मर ही बनेंगे। तो इस पॉटर और फार्मर की फैमिली से कोई ब्रेव पर्सन निकल के आता है तो वो क्षत्रिय नहीं बन पाएगा। रैंक्स को परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें होने लगी उस समय पे। पर भाई, और एक जाति का स्टेटस, अब जाति में भी सब जाति बन गई, तो शूद्रों में कुछ जातियां टॉप पे थी, कुछ जातियां नीचे थी, वैश्यों में भी कुछ जातियां टॉप पे थी, कुछ जातियां नीचे थी। तो एक जाति की पोजीशन क्या है वो जगह जगह से वैरी करेगी। हो सकता है एक लोकैलिटी में उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, दूसरी लोकैलिटी में उनका इन्फ्लुएंस कम हो। ये जाति अपने ही रूल्स और रेगुलेशंस बनाने लगी अपने मेंबर्स के लिए। इनकी खुद की एक असेंबली ऑफ एल्डर्स होती थी जिनको बोलते थे जाति पंचायत, और ये जाति पंचायत उस जाति के नियमों को तय करते थे। जो इन नियमों को नहीं मानता था उनको सजा दी जाती थी। लेकिन ये सब जो था ना, ये एक छोटे लेवल पे हो रहा था, क्योंकि सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय अ शिफ्टिन। देखिए, एक विलेज में एक ऐसी चीज हो रही है कि जाति पंचायत बन रही है। ओके, वहां पे जो जाति डोमिनेंट है उसने अपनी जाति पंचायत बना दी, सबके लिए नियम बना दिए। अब ऐसे बहुत सारे विलेजेस होंगे, तो ऐसे बहुत सारे विलेजेस को एक शिफ्टिन गवर्न करेगा। फिर ये बहुत सारे विलेज मिलके भी एक स्टेट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बनाएंगे। तो टॉप पे राजा बैठता था, और उस राजे के नीचे जो सब डिविजन थे, उस सब डिविजन में भी बहुत सारी पॉलिटिक्स हुआ करती थी। अब यहाँ पे एक मैप 3 दिख रहा है दोस्तों, इस मैप 3 में हल्की फुल्की बात करते हैं। तो देखिये, provinces of Delhi Sultanate during Muhammad bin Tughlaq's reigns, according to Egyptian source Masalik al-Absar fi Mamalik al-Absar of Shihabuddin Umri. तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक के समय के यहाँ पे कुछ आप समझ सकते हैं कि उसकी वो बता रखी कि कौन कौन सी constituencies में, कौन कौन से इलाकों में उसका राज था, इलाकों वाइज नाम भी दे रखा है। तो ये आप अपनी एनसीईआरटी किताबों में देख सकते हैं अगर आपको देखने का मन हो, वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बात करते हैं रीजनल एम्पायर की। बहुत सारे स्टेट्स उभरे, चोलाज आए, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे के बारे में, तुगलक के बारे में चैप्टर 3 में, मुगल्स के बारे में चैप्टर 4 में। फिर प्रशस्ति का कांसेप्ट देखते हैं। देखिए, संस्कृत प्रशस्ति क्या होती है, सी चैप्टर फॉर एन एग्जांपल ऑफ द प्रशस्ति, अगली बार देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ प्रशस्ति एक्चुअली में क्या होती थी। प्रशस्ति लिखी जाती थी रूलर्स के लिए, और रूलर का ही कोई पोएट या बार्ड उस प्रशस्ति को लिखता था, और उस प्रशस्ति में भैया उस रूलर की वो बढ़ चढ़ के तारीफ करता था, और जितनी ज्यादा तारीफ कर देगा, जितने उसके आप कह सकते हो प्रेज में शब्द लिख देगा, उतना ही वो रूलर उसको फिर पैसा गहना देके इनाम देगा। ठीक है,
तो भाई एक संस्कृत प्रशस्ति है जो कि दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287 में सुल्तान थे, उनकी तारीफ कर रही है ये प्रशस्ति। वो प्रशस्ति बोल रही है कि भैया जो गियासुद्दीन बलबर है, ही इज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर, जो बंगाल से लेके ईस्ट ऑफ गजनी तक जाता है अफगानिस्तान में, और फिर पूरे साउथ इंडिया को कवर करता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कि पूरे साउथ इंडिया को कवर करता है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। बट प्रशस्ति में तो आप कुछ भी लिखोगे, यानी कि जो प्रशस्ति हुआ करती थी रूलर्स की उस समय पे, वो इतनी ज्यादा उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाती थी कि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत भी होती थी। फिर गियासुद्दीन बलबन के बारे में कहा गया कि जब भी कहीं जाते हैं, इनकी आर्मी कहीं जाती है, तो वहां के लोग लड़के भाग जाते हैं, तो गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग इनको देख के भाग गए, इतना डर गए। ठीक है, अब हिस्टोरियंस ने बताया कि ये जो प्रशस्तीज है ना दोस्तों, ये दीज आर एग्जेगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। यहाँ पे एग्जेगरेट किया गया चीजों को, इनको आप ऑथेंटिक नहीं मान सकते। ओके, आगे देखते हैं लैंग्वेज एंड रीजन के बारे में। 1318 में जो पोएट अमीर खुसरो थे, और अमीर खुसरो वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ दैट टाइम, तो इन्होंने बताया कि भाई इस ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इसके अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज, सिंधी मिलेगी, लाहौरी मिलेगी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, ये अलग अलग लैंग्वेजेस मिलेंगी। प्लस अमीर खुसरो ने बताया कि भैया अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, बट एक लैंग्वेज है ऐसी संस्कृत जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग नहीं करती। ये संस्कृत बहुत पुरानी संस्कृत है, जो आम आदमी है, आम लोग हैं, उनको ये संस्कृत नहीं आती है, ये संस्कृत केवल ब्राह्मण्स को आती है। उसका एक रीजन ये थी कि ब्राह्मण्स ने सब लोगों को इस संस्कृत को सीखने नहीं दिया, प्लस संस्कृत सीखने में भी थोड़ी मुश्किल थी। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि ये जो संस्कृत लैंग्वेज थी, ये एक तरीके से रॉयल लैंग्वेज बन गई थी यहाँ पे, चूंकि आम लोगों को ये आती नहीं थी, आम लोग अपनी मदर टंग में बोला करते थे, और ये संस्कृत केवल ब्राह्मण्स को आती थी। फिर 780 तक आते आते हर जगह के अपने खुद के ज्योग्राफिकल डायमेंशन हो गए, उनके खुद की भाषा हो गई, उनके खुद के कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जिनके बारे में हम लोग चैप्टर 9 में देखेंगे। और ये कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, भाषा, ज्योग्राफिकल, ये जो आपके डायमेंशन हैं, ये कुछ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज के साथ भी एसोसिएटेड थे। ये जो रूलिंग डायनेस्टीज थी, जो कि पूरे इंडिया में फैली हुई थी, ये अक्सर कर आपस में लड़ती थी। तो देखिए, बहुत सारी डायनेस्टी बहुत बहुत समय पे बहुत बड़ा अंपायर साबित कर पाई, बना पाई है। जैसे चोलाज ने एक समय पे बहुत बड़े रीजन पे कब्जा किया, खिलजीज ने अपने टाइम पे किया, तुगलक्स ने अपने टाइम पे किया, मुगल्स ने अपने टाइम पे किया। इन्होंने समय समय पे पैन रीजनल अंपायर्स की स्थापना की, बड़े बड़े रीजन्स पे ऑक्यूपाई किया, बट ये जो इनका राज था तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं चला। और बहुत लंबे समय कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे 200, 300, 400 साल को लंबा समय नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हिस्ट्री में बात होती है, हजारों साल की बात हो रही है, तो 200 से 400 साल एक लंबा टाइम नहीं होगा। तो मुगल डायनेस्टी देखोगे कि भाई बाबर से लेके आपका औरंगजेब तक तो बड़ी तगड़ी थी, लेकिन ये बाबर से लेके जो औरंगजेब का टाइम था, ये ना 200-300 साल था। ओके, तो 200 से 300 साल के बीच के टाइम को यहाँ पे बड़ा नहीं बोला जाएगा, इसलिए आप कह सकते हो कि जो मुगल डायनेस्टी है ना, वो भी बहुत बड़े समय तक के लिए नहीं रही, हालांकि बाकी कंपैरिजन में सबसे ज्यादा समय के लिए यही डायनेस्टी रही। ओके, इन खिलजी डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टीज का रूल क्या है, ये आप पता करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान से सवाल है, पहले की वीडियोस में बता चुका हूं मैं आपको, दोबारा नहीं बताऊंगा, जब समय आएगा तो फिर ये सब चीजें डिस्कस करेंगे ही। और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे मीडियल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री की बतेरी वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, ये सब तो भैया एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हैं, जाने कब मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब आगे देखते हैं, मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी में डिक्लाइन कर गया। इसके रीजंस क्या है, इसके पे मैंने अलग वीडियो बना रखी है। जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, इतना बड़ा पैन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, तो छोटे छोटे टुकड़े जो थे अलग अलग जगहों पे, वहां के प्रोविंशियल गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिसकी वजह से रीजनल स्टेट्स उभरेंगे, ये चैप्टर 10 में हम देखेंगे। लेकिन हुआ ये है कि भाई इंपीरियल रूल रहा है हमेशा से, तो इंपीरियल और पैन रीजनल रूल, यानी कि एक सेंट्रल सत्ता ने बहुत जगहों पे राज किया है, उस चक्कर में इन रीजन्स का जो कैरेक्टर था वो बदल गया था। अब जब ये बिग स्टेट्स तोड़ के छोटे छोटे स्टेट्स में बटेंगे, तो बिग स्टेट्स के समय पे जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस थे ना, वो बाद में भी रहेंगे, और छोटे छोटे स्टेट्स बनने की वजह से जो नए कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आएंगे वो भी बनेंगे, और जो फाइनली एक स्टेट बन के आएगा ना, उसके अंदर बहुत सारे डिस्टिंक्ट और शेयर्ड ट्रेडिशंस होंगे, और वो शेयर्ड ट्रेडिशंस गवर्नेंस के फील्ड में भी होंगे, इकोनॉमी के मैनेजमेंट में भी होंगे, एलीट कल्चर्स में भी होंगे, लैंग्वेज में भी होंगे। यानी कि समझने की कोशिश कीजिए, जब मुगल डायनेस्टी का राज था, तब एक पर्टिकुलर स्टेट की भाषा हुआ करती थी, कुछ अलग अलग तरीके से वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें डिफाइंड थी। जब मुगल शासन टूट गया और इंडिविजुअल शासन आ गए, जैसे हैदराबाद का निजाम जब रूल पे आ गया, तो हैदराबाद के निजाम के ने अपने कुछ अलग रूल बनाए इकोनॉमी में, तो अलग अलग इलाकों में, उसी तरीके से बंगाल में,
मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, इन्होंने अपने नियम बनाए। तो जब अलग अलग इलाकों में अलग अलग नियम बनने शुरू हुए, अलग अलग चीजों को इम्पोज करना शुरू किया गया, तो जो एक नया ट्रेडिशन निकल के आया, चाहे वो ट्रेडिशन राजसत्ता चलाने का हो, चाहे वो ट्रेडिशन इकोनॉमी को चलाने का हो, चाहे वो ट्रेडिशन लैंग्वेज का हो, चाहे वो ट्रेडिशन वहां के लोगों को कल्चर का हो, वो एक शेयर्ड ट्रेडिशन था। उसमें सबके एस्पेक्ट थे, यानी जो पहले राज हुआ करता था उसका एस्पेक्ट भी था, बाद में जो नया राजा आया उसका एस्पेक्ट भी था। इसीलिए 700 से लेके 1750 में अलग अलग रीजन्स का जो भी कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी चीजें वहां पे हुई हैं, वो आइसोलेशन में नहीं हुई हैं, वो दे आर एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस। मतलब उनके यहाँ की जो खास चीजें थी वो तो रही रही, बहुत बड़े लेवल पे जब इंटीग्रेट हुए तो उनके इफेक्ट्स भी उसके बाद आए, और इंटीग्रेट के बाद वो जब डिसइंटीग्रेट हुए उसके इफेक्ट्स भी उस पे आए। तो फाइनल पे जो आपको एक जगह मिलेगी उसके ज्योग्राफिकल कल्चरल एस्पेक्ट में आपको हर समय के कुछ ट्रेट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स की। तो देखिए, हम हजार साल की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, लगभग 700 से 1750 एडी तक की। इसमें भैया रिलीजियस ट्रेडिशंस में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है भैया, लोगों का जो बिलीफ था भगवान में, खुदा में, ईश्वर में, वो कलेक्टिव हुआ। ठीक है, देखिए, पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। कलेक्टिव कैसे भाई, कि भैया अगर आप हिंदू धर्म के हो तो आप बोलते हो मैं हिंदू धर्म का हूँ, आप मुस्लिम धर्म के हो तो आप बोलते हो मैं हिंदू धर्म का हूँ, मुस्लिम धर्म का हूँ, तो क्या ये आपका पर्सनल रिलीजियस व्यू है? नहीं, ये कलेक्टिव रिलीजियस व्यू है। जो पर्सन मुस्लिम धर्म का है या हिंदू धर्म का है वो बोलेगा भाई मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, तो बेसिकली दिस इज अ कलेक्टिव नोशन। और ये जो कलेक्टिव बिलीफ था ना, एक सुपर नेचुरल एजेंसी में जिसको बोला गया रिलीजन, और ये रिलीजन आपका सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी जुड़ा हुआ था। तो देखिए, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, एक जगह का कल्चर, एक जगह का रिलीजन, और उस एक जगह की कम्युनिटी, और उन कम्युनिटीज के सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक जगह की कम्युनिटी का सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, तो भाई मुस्लिम साथ में रह रहे होंगे, ठीक है, एक जगह पे हिंदू साथ में रह रहे होंगे, ऐसा नहीं कहीं कहीं पे दोनों साथ में रह रहे होंगे। ठीक है, तो रिलीजन से भी चीजों पर बहुत फर्क पड़ा। हालांकि रिलीजन के नाम पे उस समय पे लड़ाई नहीं होती थी, ये रिलीजन के नाम पे जो लड़ने वाली चीज आई है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम को मारने वाली जो चीज आई है वो बाद में आई है, पहले नहीं थी। फिर उस समय पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हिंदुइज्म धर्म में। ठीक है, क्या हुआ कि भाई हिंदू धर्म में नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, फिर टेंपल्स को रॉयल्टी ने कंस्ट्रक्ट कराना शुरू किया। तो आप देखोगे कि भैया चोलाज ने थांजावुर में और उसके आसपास का साउथ इंडिया का जो इलाका है, जबरदस्त टेंपल वहां पे बनवा रखे हैं। सोसाइटी में ब्राह्मण्स की जो इंपॉर्टेंस थी बढ़ने लगी, प्रीस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, वो सोसाइटी में डोमिनेंट ग्रुप्स बन गए। उनके साथ साथ क्षत्रिय भी डोमिनेंट हुआ करते थे, चूंकि वो रूल करते थे। कुछ इस तरीके का चीज सामने आई कि भैया ये जो ब्राह्मण्स हैं ये भगवान के साथ, भगवान वाला डिपार्टमेंट इनका है, क्षत्रिय का डिपार्टमेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला डिपार्टमेंट, और बाकी दो कम्युनिटीज को, शूद्रा को, वैश्य को इन्होंने दबा दिया। खासकर शूद्रा को तो बहुत ही ज्यादा दबा दिया, वैश्य तो फिर भी ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, उन्होंने अपने आप को बचा लिया। फिर जो संस्कृत टेक्स्ट की नॉलेज थी ना, इससे ब्राह्मण्स को बहुत सारी रिस्पेक्ट मिली। ठीक है, वो और जब उनको रिस्पेक्ट मिली तो ये कहा जाने लगा कि भैया इन ब्राह्मण्स को है नॉलेज। आज की डेट में भी भाई नॉलेज ये चल रही है, जिसके पास नॉलेज है उसकी बहुत वैल्यू होती है, लेकिन उस समय पे नॉलेज क्या थी? उस समय पे नॉलेज यही थी कि भाई वेद पुराण कौन पढ़ सकता है। अब वेद पुराण तो भैया आप कह सकते हो बिल्कुल ट्रिकी संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो उनको तो केवल ये ब्राह्मण पढ़ सकते हैं। तो ब्राह्मण को बोला जाने लगा कि भैया यही है नॉलेज वाले, और जब यही वाले नॉलेज वाले हैं तो जो राजा रजवाड़े थे, जो किसी एक जगह के रूलर हुआ करते थे, वो इन ब्राह्मण्स के पैटर्न बन गए। ठीक है, तो वो इन ब्राह्मण्स के पास बहुत सारा पैसा वैसा भी भेजा करते थे। फिर इस समय पे एक आइडियल उभरा भक्ति का। ठीक है ना, तो सूरदास वगैरह जो आपके कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, वो इस भक्ति के पीरियड में आएगी। हिंदी लिटरेचर में कृष्ण भक्ति काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये जो भक्ति पीरियड है वो आया अपना इंडिया में। इस समय पे एक पर्सन अपने डीटी के साथ भक्ति करेगा, अपने डीटी की भक्ति करेगा, उस डीटी की तरफ पूरी तरीके से वो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें होंगी। इन ट्रेडिशंस के बारे में हम लोग चैप्टर 8 में देखेंगे। पैटर्न क्या होता है? इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, लर्न मैन और नॉबल। तो इन्हीं ब्राह्मण्स के पैटर्न बन गए थे रूलर, जो कि मैंने आपको बताया था। फिर आगे देखते हैं। इस समय पे भाई हमारे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में नए रिलीजन्स भी आ चुके थे। देखिए, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई?
सेवेंथ सेंचुरी के दौरान, सेवेंथ सेंचुरी की शुरुआत में मैं बोलूंगा कि इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। इनके प्रॉफिट ने एक कुछ नियम कानून दिए, कुछ रूल्स को बताया, उन्होंने अल्लाह को सुप्रीम बताया और मुस्लिम्स ने उनको फॉलो किया। ठीक है, जो टीचिंग्स हैं इस्लाम धर्म की वो होली कुरान में लिखी हुई हैं और मुस्लिम्स इस कुरान को होली बुक मानते हैं। एंड दे एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ वन गॉड अल्लाह, जिसका लव, मर्सी और बाउंड्री सबको एम्ब्रेस करता है। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज सोशल बैकग्राउंड, यानी आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, भगवान आपको मानेंगे, आपका अल्लाह आपको मानेगा, ये इनका बोलना था। तो बहुत सारे रूलर्स थे वो इस्लाम के पैटर्न्स थे और उलामा के पैटर्न्स थे। अब भाई ये उलेमा क्या थे? तो भाई ये उलामा थे, मुस्लिम धर्म गुरु, ये लर्न्ड थियोलॉजियंस थे, ज्यूरिस्ट थे, यानी कि कुरान में जो चीज लिखी हुई है उसको दूसरों को कौन समझाएगा? उसमें तो इतनी बड़ी चीजें लिखी हैं जो शायद नॉर्मल आदमी को समझ ना पाए, तो कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो उस चीज को समझाए। सिर्फ उस तरीके से जैसे कि वेद पुराणों में जो चीजें लिखी हैं वो नॉर्मल लोगों को कौन समझाएगा? तो भाई जो उन वेद पुराणों को पढ़ते थे ब्रह्मनास, वो समझाएंगे। उसी तरीके से कुरान में क्या लिखा हुआ उसे कौन समझाएगा? तो मुस्लिम धर्म गुरु समझाएंगे। वो है आपके जो लर्न्ड थियोलॉजिस्ट थे, ज्यूरिस्ट थे, जो कि उनको उलामा बोला जाता था। तो बहुत सारे जो रूलर्स थे वो इस्लाम के पैटर्न हुए और इस्लाम के जब वो पैटर्न हुए, इस्लाम धर्म को जब उन्होंने फॉलो किया, तो वो इन उलेमास के पैटर्न हो गए। तो वो अपने रूलिंग में आप देखोगे कि उलेमास को काफी मानते थे, जैसे फिरोज तुगलक एक रूलर था, तो फिरोज तुगलक अपने रूलिंग्स में उलेमास की राय को सुनता था। ठीक है, फिर जैसे कि हिंदुइज्म धर्म में कुछ सेक्ट्स उभर आए, उसी तरीके से इस्लाम की जो टीचिंग्स थी उनको भी कुछ तरीके से इंटरप्रेट किया गया। तो भाई कुछ लोग शिया मुस्लिम्स बन गए। शिया मुस्लिम्स बिलीव दैट प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। और कुछ सुन्नी मुस्लिम्स बन गए, हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स, खलीफाज ऑफ द कम्युनिटी। तो इस तरीके से आप देखोगे फ्रेंड्स की मुस्लिम्स में भी बहुत सारे सेक्ट्स निकल आए हैं, उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट धर्म गुरुज हैं जिन्होंने उनकी टीचिंग में कुछ हल्के फुल्के चेंजेस हैं, और उनके अपने वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ निकल आते हैं, जैसे हनाफी स्कूल निकल आता है, शाफी स्कूल निकल आता है, पूरी दुनिया में ठीक है इनका फॉलोअर्स हैं। अब हम आगे देखते हैं, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब जब बात किया जाए, हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो जब वो हिस्ट्री को पढ़ते हैं वो हिस्ट्री को केवल इस तरीके से नहीं देखते हैं कि भाई समय बीत रहा है, घंटे बीत रहे हैं, दिन बीत रहा है, क्लॉक और कैलेंडर नहीं है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उस समय के साथ एक जगह का सोशल कैरेक्टर बदल रहा है, एक जगह का इकोनॉमिक कैरेक्टर बदल रहा है, आइडियाज चेंज हो रहे हैं, बिलीव्स चेंज हो रहे हैं, इन सारे सेगमेंट्स को मिला के वो अपनी हिस्ट्री को तैयार करते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने तो बड़ा बड़ा सिंपल सा व्यू था। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने बोला कि भैया इंडिया की हिस्ट्री तो तीन भागों में बटी है, एक हिंदू हिस्ट्री है, एक मुस्लिम हिस्ट्री है, एक ब्रिटिश हिस्ट्री है। तो भैया दिल्ली सल्तनत के काल से पहले और मुगल काल से पहले जो शासक थे वो हिंदू रूलर्स थे, फिर दिल्ली सल्तनत और बाबर के और ये जो मुगल काल के शासक थे वो मुस्लिम रूलर्स हो गए, उसके बाद आ गए ब्रिटिश। उन्होंने तो इतना सिंपल सा वो कर दिया, मतलब सेग्रीगेशन। लेकिन ये सेग्रीगेशन जो इंडिया सोसाइटी का इन्होंने किया रूलर्स के रिलीजन के हिसाब से, वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, क्योंकि उस समय पे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे थे, इकोनॉमी बदल रही थी, सोसाइटी बदल रही थी, कल्चर बदल रहा था। तो उन्होंने इकोनॉमिक चेंजेस, सोसाइटल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, इन सब को छोड़ के केवल रिलीजन के आधार पे हमारी हिस्ट्री को डिसाइड कर दिया। ये इससे पता चलता है कि इन ब्रिटिश हिस्टोरियंस के दिमाग में पैसे की बुद्धि नहीं थी। तो जिस हिसाब से ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने बांटा हमारी सोसाइटी को, उससे सुधारा हमारे कुछ हिस्टोरियंस ने, अब उस बांटने के प्रोसीजर को माना नहीं जाता है। भैया बहुत सारे सोशल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है हमारे सोसाइटी और हमारे इंडिया के पास्ट को जानने के लिए। तो भाई द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज, जैसे पहले हमने हंटर गैदरर्स के बारे में देखा था, फार्मर्स के बारे में देखा था, जो लोग टाउन्स और विलेजेस में रहते थे उनके बारे में देखा था, अर्ली एम्पायर्स और किंगडम्स के बारे में देखा था। तो वो थी कह सकते हो कि आप एक तरीके से एंशियंट हिस्ट्री थी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत मीडियलिस्टिक बारे में देखेंगे, तो ये देखेंगे कैसे पीजेंट सोसाइटीज आगे आई, कैसे रीजनल और इंपीरियल स्टेट्स बने, राजे रजवाड़े आए, कैसे इन राजे रजवाड़ों ने पैस्टोरल और फॉरेस्ट के लोगों को खदेड़ दिया, कैसे हिंदुइज्म और इस्लाम का डेवलपमेंट हुआ खासकर इंडिया में, और उसके बाद कैसे यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज एक एक करके इंडिया में घुसने लगी। तो ये जो हजार साल की हिस्ट्री है इसमें जबरदस्त चेंजेस देखने को मिले हैं, और इसीलिए आप कह सकते हो कि 16वीं शताब्दी में जो हुआ, 16वीं शताब्दी यानी 1501 से लेके 1599 या 1600 तक, और 18वीं शताब्दी में जो हुआ वो 8वीं और 11वीं शताब्दी से बहुत अलग था। इसलिए इसको एक हिस्टोरिकल यूनिट नहीं मान सकते, इसको आपको बहुत सारे सेग्रीगेशंस करके पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी मिडिवल हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री से कंपेयर किया जाता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी मॉडर्निटी की बात आती है तो उसमें आता है इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट,
और मटेरियल प्रोग्रेस। मटेरियल प्रोग्रेस यानी आज की डेट में भाई मटेरियल प्रोग्रेस आप देख ही रहो, हर तरीके से हम लोग की जो लाइफ है वो लग्जूरियस हो रही है, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हो रहा है, साइंस में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मिडिल पीरियड में ऐसी चीजें नहीं थी, इतनी लग्जूरियस लाइफ नहीं हुआ करती थी। एसी का बटन दबाया एसी चल गया, उस समय तो पंखे चला करते थे। उसी तरीके से साइंस में इतने ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हुए थे भाई, अब तो बॉडी को खोद खोद के कुछ भी निकाल दें। मिडिल समय पे साइंस इतनी ज्यादा, मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। तो भाई जो मॉडर्न पीरियड है और जब मिडिल पीरियड को आप कंपेयर करोगे तो मिडिल पीरियड में इतना ज्यादा एडवांसमेंट नहीं था जितना मॉडर्न पीरियड में। फिर ड्यूरिंग दीज थाउजेंड ईयर द सोसाइटीज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजंस रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। जैसे जैसे इंडिया की इकॉनमी बदल रही थी सबकॉन्टिनेंट में, वैसे वैसे उसकी खबरें वेस्टर्न लैंड्स में पहुंच रही थी और वेस्टर्न लैंड्स में बैठे हुए ट्रेडर सोच रहे थे कि भैया चलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, चल के थोड़ा ट्रेड करते हैं, वहां बहुत पैसा है। और उनका दिमाग आया कि चलो यहाँ चलते हैं। जब वो यहाँ पे आए थे ये ब्रिटिश ट्रेडर्स, तो वो ट्रेडर की तरह आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन ट्रेडर्स ने क्या किया वो तो हम देखेंगे। प्लस जब वो ट्रेडर्स यहाँ पहुंचे ना दोस्तों, तो ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड से ट्रेडर्स केवल इंडिया में रहे थे, इंग्लैंड से ट्रेडर्स दुनिया भर में जा रहे थे। वो इंडोनेशिया में भी जा रहे थे, चाइना में भी जा रहे थे, अफ्रीका में भी जा रहे थे। और इन ट्रेडर्स की खास बात थी कि पहले ये भाई कॉमर्शियल बेसिस पे इन्वॉल्व होते थे और बाद में फिर ये पॉलिटिकल बेसिस पे एंगेज होते थे। जिस समय पे ये नए नए इंडिया में आए थे ना, उस समय पे ये जो हैदराबाद के निजाम थे, ये जो बंगाल के नवाब थे अली वर्दी खान, मुर्शीद कुली खान, इनको लगा कि ये सिर्फ ट्रेडर्स हैं, इनको ट्रेड करने की आजादी दे देते हैं। उन समय के जो इंडिया के रूलर्स थे वो दुनिया से कनेक्टेड नहीं थे। अगर वो दुनिया से कनेक्टेड होते तो उनको ये पता चलता कि ये जो भैया बाहर से फिरंगी ट्रेडर आ रहे हैं ना, इन्होंने बाकी जगहों पे भैया कब्जा लिया है, एक समय पे ये इंडिया में भी कब्जाएंगे। लेकिन इस चीज को उस समय के नवाब रूलर समझ नहीं पाए और सही टाइम पे इनको रोका नहीं गया। और जब इन अंग्रेजों को सही टाइम पे रोका नहीं गया, ये भैया सर पे चढ़ गए और 200 से ज्यादा साल हम पे इन्होंने राज किया है। तो इन सब चीजों को हम लोग इस किताब में पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैनुस्क्रिप्ट, जाति, रीजन, पीरियडाइजेशन क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। काफी चिल्लाना पड़ा फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसमें लाइक का बटन दबा दीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दें। ये सब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बाकी चीजें नहीं कर सकते तो भैया आप लाइक करके सब्सक्राइब ही कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, ध्यान रखिए अपना।